शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बियर का हो जाए, मैं अपनी हेल्दी से खुश हूं दास बाबू। नो प्रॉब्लम विक्रम, वैसे बहुत लंबी चली हमारी कंपटीशन। वेल, आपकी उम्र तो हो चुकी है। आई मीन सीईओ की फाइट। ओह, पर मैं बड़ा खुश हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू आर अ वेरी प्रोफेशनल मैन। I appreciate that in a man. आप इसी तरह से बीते रहिए और जब आप कुछ गलती कर बैठेंगे, then I will become CEO. वैसे तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी है, दो कदम आगे एक कदम पीछे। इससे लाइफ में बैलेंस बना रहता है। मेरी फिलॉसफी तो कुछ और है। अच्छा। काश आप अपनी लाइफ का भी बैलेंस संभाल पाते दास बाबू। क्या हुआ आपकी कार को? It's just broken down. Oh. Well, आपको एतराज ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। क्या हुआ? मुझे आपकी नियत पे शक है। शक तो इल्यूजन भी हो सकता है। वैसे मैं शादीशुदा हूँ। किसने कहा शादीशुदा लोगों के पास दिल नहीं होता? You can trust me. Really? Yeah. Okay. क्या आप हर लड़की को यूं ही लिफ्ट देते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है।
वैसे मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, कंगना, राइट? तुम एक फेमस कवर मॉडल थी। वैसे मैं भी आपका नाम जानती हूँ। ओह रियली? विक्रम मल्होत्रा, राइट? CEO ऑफ TLF कंपनी। तुम्हें कैसे पता? माय हस्बैंड हैज टोल्ड मी अबाउट यू एंड योर लाइफस्टाइल। ओह हस्बैंड। आई एम मैरिड टू। वैसे काफी चर्चे थे तुम्हारे, तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था मैं एक टाइम पे। एक टाइम पे? अब मेरे फैन नहीं हो तुम? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम वेरी मच कमिटेड। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। व्हाई डोंट यू टेक राइट फ्रॉम हियर? क्यों, क्या हुआ? मेरा घर आ गया। ओह मिस्टर, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? घर काफी अच्छा है आपका, कुछ पिलाएंगी नहीं? आई जस्ट मे। क्या पिएंगे आप? जो आपकी मर्जी। ओके, एक्सक्यूज मी। यस, वैसे मैं विस्की प्रेफर करता हूं। नीट। थैंक यू। वैसे आपके हस्बैंड काफी हैंडसम हैं। और मैं? कंपेयर टू हिम एवरेज हूं। इस बार कुछ ज्यादा हो गया ना? बैठो विक्रम। थैंक्स। इतना डिले क्यों रहा है विक्रम? हर फाइल को 10 लोग हाथ लगाते हैं, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और बात 50 करोड़ की है। भूलना मत विक्रम, तुमने किससे पैसे लिए हैं। आप बस मुझे और थोड़ा समय दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो देखते हैं। वैसे मेरी वाइफ के रिजॉर्ट के लिए आप क्लियरेंस कब दे रहे हैं? पेपर लाए हो? हाँ, ये लीजिए। वैसे तुम्हें हर चीज पाने की बड़ी जल्दी पड़ी है विक्रम। प्लॉट की क्या अपडेट है? सिग्नेचर क्यों नहीं मिले अब तक? सर, पेपर कलेक्टर ऑफिस में भेज दिए हैं, बट मुझे लगता है कि पेपर से काम नहीं होने वाला, साथ में कुछ गिफ्ट भी भेजना होगा। तो इसमें सोचना क्या है? डू इट। ओके सर।
शालिनी, इंदौर फॉर्मलैंड का क्या हुआ? एनी पॉजिटिव अपडेट? वहां पर भी गिफ्ट का ही इंतजार है सर। दो दिन के अंदर परमिशंस मेरे टेबल पे होने चाहिए। क्लियर? ओके सर। फिक्स द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ओके सर। थैंक गॉड, मिनिस्टर के पैसे ट्रांसफर हो गए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। हाय मैम, एक मिनट प्लीज। दो तीन फोटो और मिल जाते हैं यहाँ पे तो। हियर हियर अ फ्यू मोर पोजेस फॉर कैमरा मैम। So happy for you. What are you doing? तुम्हें पता है ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। शायद ये पसंद है? ये क्या है? देखो तो। Oh my God. Yes. विक्रम. Yes. मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया। Hmm. Oh my God. Happy now? I was so tired of all these photo shoots. Openings. Oh God. पर तुम ही तो कहती थी घर पे अकेले तुम बोर होती हो। I agree, but I'm glad you didn't stop me. But this is new beginning. I love you, Vikram. Love you so much. Love you too. कैसा है प्रसाद? अरे विक्रम साहब नमस्ते। आइए आइए आइए। आज तो मुझे लगा कि आप आएंगे ही नहीं इतनी कड़ाके की सर्दी में। आप बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ। आज आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। लीजिए सर। बात तो सही है। उस दिन तू ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा था ना? हाँ। उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए एकदम फिट है ना? एकदम बराबर फिट है सर। महंगा होगा सर, इसमें सेठ लगूंगा, पर लोगों को खटकेगा। रख ले प्रसाद, लोगों की मत सोच। अलमारी में रखे रहने से तेरे काम आए तो अच्छा है। मना मत करना। प्रसाद जी। सर तुझे पैसे चाहिए थे ना नई दुकान के लिए? हाँ सर, बोला तो था। कितने चाहिए? छोड़िए ना सर। अरे बोल दे, आज मौका देता हूँ तुझे। 70,000 तो मैं जमा कर चुका हूँ, 50 और चाहिए। बस 50? सर फोन तो उठा लीजिए। या कंगना। विक्रम, मैं तुम्हारा फोन 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं ले रहे मेरा? कहाँ हो तुम? यहीं विस्टा पॉइंट पे ही हूँ। इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम वहां? आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर पे। See you soon. हेलो विक्रम, विस्टा पॉइंट। विक्रम ये क्या हो रहा है?
What are you doing here at this time of night? Jia. What the heck? Just get up! What's your problem? And who is this man? और उसने तुम्हारा जैकेट क्यों पहना? बताता हूँ. घर चलो. Right. Bye, Prasad. And you are drunk. थोड़ा सा. But I can drive that thing. Right. Come. Thank you. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज. थैंक यू. सो मिश्रा जी, क्या सोचा आपने मेरी फाइल के बारे में? मैं आप ही की फाइल देख रहा हूँ भाई. देखिए, मैं आपको 10-12 करोड़ का लोन दे सकता हूँ, वो भी अपनी रिस्क पर. अगर मैं मुंबई जाकर लोन के लिए ट्राई करूँ तो क्या होगा? 7-8 करोड़ रुपए मिलेंगे और क्या. अरे वहाँ के लोगों को क्या पता यहाँ के एसेट्स की वैल्यू क्या है, और हो सकता है कि लोन ही ना हो. मिश्रा जी, एक बात बताइए, क्या मैं अपना रिजॉर्ट मॉर्गेज पे रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते भाई, पर हमारी बैंक में नहीं. क्लियर? एक्सक्यूज मी. या कनक सर, कहाँ पे हैं आप? एमडी सर से मीटिंग कैंसिल करना है क्या? नहीं, डोंट कैंसिल इट, मैं आ रहा हूँ. ओके सर. क्या हुआ? हाँ, बस एक प्रॉपर्टी खरीदनी है मुझे अर्जेंट में. एनीवे, थैंक्स अ लॉट. आइएगा. या ओके, या श्योर, आई विल कम. बाय. थैंक यू. क्या हुआ? काम है मैडम. बोलो. छुट्टी चाहिए. क्यों? जरूरी है. कितने दिन के लिए चाहिए? 1 महीने के लिए. क्या, 1 महीने के लिए? तो काम कौन करेगा? तुम किसी और को लेकर आओ और फिर जाओ छुट्टी पर. ठीक है मैडम. May I come in, sir? आओ. Thank you, sir. तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं. बनो मत विक्रम, सीधे सीधे बताओ कि तुम कंपनी का पैसा कब वापस लौटाओगे? सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कंपनी का पैसा लौटा दूंगा. अपने साथ साथ मुझे भी डुबाओगे तुम? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आई विल गेट मनी, आप बस मुझे थोड़ा सा. नो विक्रम, अब बात सिर्फ कंपनी के पैसों की नहीं है, कंपनी में मेरी पोजीशन की है. विक्रम, यू आर फिनिश्ड, फायर्ड. आप ऐसा नहीं कर सकते. मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है. और वो कॉन्ट्रैक्ट तुम कंपनी के साथ फ्रॉड करके तोड़ चुके हो. देखो विक्रम, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ. इससे पहले कि तुम्हारा फ्रॉड ऑडिट के सामने आ जाए, तुम कंपनी का पैसा वापस कर दो, वरना इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. और एक बात बताओ, इतना पैसा तुमने लगाया कहां? I was trapped, sir. बुरी तरह फंस गया हूं. Whatever, last warning. 10 दिन के अंदर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. अंडरस्टैंड? अब तुम जा सकते हो. मुझे तेरी दुखभरी कहानी से कोई मतलब नहीं. जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो 10,000 के लिए सर काट देता था. एक बात बता विक्रम, तूने मेरे 50 करोड़ रुपए अरेंज कैसे किए? ऑफिस फंड से.
वैसे एक बुरी खबर है विक्रम तुम्हारे लिए। अंदर की न्यूज है, तेरे रिसोर्ट वाली जमीन गवर्नमेंट ग्रीन जोन में लेने जा रही है। यहाँ क्यों बुलाए? क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? बोलो ना, क्या हुआ? It's all over, Kanga. सब कुछ खत्म हो गया। What is over? ऐसे तुम क्लियरली बात करो, ऐसे गोलमोल मत बात करो। क्या हुआ? I got fired today. Fired? Why? हमारे रिजॉर्ट की जमीन गवर्नमेंट ने ग्रीन जोन में डाली और मैंने उसके लिए कंपनी के पैसे यूज किए थे। I'm done. हमारे रिजॉर्ट की जमीन। विक्रम, you know that is my dream. कंगना, How could you do this to me? गलती हो गई यार। I'm sorry. What do you mean गलती हो गई? विक्रम, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिसोर्ट बेचना पड़ेगा क्या? रिसोर्ट बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, हमें क्या क्या बेचना पड़ेगा बताते क्यों नहीं हो तुम? करना तो पड़ेगा ना कंगना। करना तो पड़ेगा। I hate you. Loser. विक्रम, 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 घर चलो। मेरे पिताजी की भी ऐसी ही चाय की दुकान थी। अपना सब कुछ सेक्रिफाइस किया उन्होंने मेरे लिए, ताकि मैं मुंबई जा सकूं, कुछ बन सकूं। तुमने पहले कभी ये सब नहीं बताया? पता है, जब वो गुजरे ना, तो मेरे अलावा कोई नहीं था उन्हें कंधा देने के लिए। इसलिए कभी कभी आता हूं यहां पे, दिल को सुकून मिलता है। घर चलो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पैसे दे दिए थे ना? हाँ, फंड तो ट्रांसफर कर दिए थे। क्यों? ये भी नहीं है। I guess इंश्योरेंस के पेपर लाल फाइल में थे शायद, है ना? लाल फाइल? I guess वहाँ चेक किया? उस ड्रॉ में? I'll just check. हाँ?
ये भी नहीं है, कहाँ रखी है? विक्रम, I got it. Vikram, now I have a plan. एक काम करो, छुट्टी ले लो. जी मैम, लेकिन दूसरी बाइक का इंतजाम नहीं हुआ. कोई बात नहीं, ये लो इस महीने के और अगले महीने के पैसे. लेकिन मैडम वो छुट्टी बार बार नहीं मिलेगी, काम खत्म करके ही आना, ठीक है? छुट्टी चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए. तो जाओ. नमस्ते साहब. अरे प्रसाद, तू आ जा. और प्रसाद, अचानक इधर कैसे? जी मैं मैंने बुलाया है. नमस्ते मैडम. तुम बैठो प्रसाद, मैं आती हूँ. ठीक है मैडम. सर वो मैडम ने बुलाया था चेक के सिलसिले में, 50,000 के. आपकी बात नहीं हुई थी मैडम से? कंगना बोल तो रही थी यार. यार मजा आ जाएगा तेरी दुकान अगर शहर में खुल गई ना, और तेरा सबसे पहला कस्टमर मैं रहूंगा, ट्रस्ट मी. बिल्कुल बिल्कुल सर. जैकेट अच्छी लग रही है तेरे पे. थैंक यू सर. लेडीज कस्टमर बढ़ गई होंगी ना तेरी? बढ़ेंगी सर, जब दुकान खुल जाएगी उसके बाद में. नॉटी बॉय. कब से नहीं लौटे आपके पति घर? 2 दिन हो गए हैं. 2 दिन हो गए और आप आज रिपोर्ट लिखवा रही हैं? मैंने सोचा फोन बंद पड़ गया होगा, पर आज मैंने सबसे पूछा, अब तो बात सीरियस हो गई है. ठीक है, तो आप एक काम करिए, उनका फोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर और आप अपना मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए मुझे. जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. श्योर. ये उनकी फोटोग्राफ है. ठीक है. जी मैं चलूं? जी बिल्कुल. मिल तो जाएंगे ना? जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जैसे ही मिलते हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. अब आप जा सकती हैं. थैंक यू. विक्रम का नंबर बंद क्यों आ रहा है? ग्लव्स ये लीजिए सर. कहाँ मिली कार? वहां से मिली सर. आइए मिसेस मल्होत्रा, यही गाड़ी है ना आपके पति मिस्टर विक्रम मल्होत्रा की? विक्रम इसी गाड़ी से ऑफिस जाया करते थे. मैडम मौका है वारदात से गाड़ी के साथ हमें और भी कुछ सामान मिला है, जिनके शिनाख्त के लिए आपको कोहे फिजा थाना आना पड़ेगा. थैंक्स फॉर कमिंग मैडम, आप जा सकती हैं. थैंक यू. ये आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड, ये उनकी जैकेट. हमें तालाब से बॉडी के और भी कुछ पार्ट्स मिले हैं. वैसे भी उस तालाब में बहुत सारे घड़ियाल हैं, तो हो सकता है कि आपके, आई एम सॉरी,
डेड मैन। Did you miss me? Not so much. Is that so? That is just so. Oh my God, I'm so alive! मैं अपनी मैयत कैसे मिस कर सकता हूँ? किसी ने देख लिया तुम्हें तो? I'm very careful. You are mad. No, just for you, my love. Trust me. Oh God, no, Vikram, I'm feeling scared for you. मुझे मिस किया? नहीं. Really? एक बात बताओ. कभी तुमने मुर्दे के साथ रोमांस किया है क्या? मुझे तुम मुर्दा नहीं, जिंदा चाहिए. जिंदा तो तुमने कर दिया है मुझे. Oh really? Oh my God, Vikram, तुम अभी तक यहीं हो? बेल बज रही है. कौन आ गया? Where is my gown? ऐसे ही जाओगी? Yes. पता नहीं कौन आया होगा. मिसेस मल्होत्रा? Yes. मैं उदय सक्सेना ब्रिक्सन सिक्योरिटी से आया हूँ. आपके हस्बैंड विक्रम मल्होत्रा के इंश्योरेंस क्लेम के बारे में कुछ बात करना है. प्लीज कम इन. थैंक्स. आई एम सॉरी अबाउट माय अपीयरेंस. मैं आऊं 5 मिनट में, आप बैठेंगे तब तक प्लीज. श्योर. कौन है? इंश्योरेंस कंपनी वाला है. ओह सुपर, इसी का तो इंतजार था. यस yes. देखो कंगना, कोई गड़बड़ ना हो जाए. ओके okay? उसे बाद में आने को बोलो. गुड लक. मिस्टर सक्सेना. मिसेस मल्होत्रा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे. देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता,
लेकिन क्या करें, कंपनी का प्रोसीजर है, करना पड़ता है। आर यू ओके टू टॉक? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैन यू कम बैक लेटर? या नो प्रॉब्लम। आपका बैग। थैंक यू। मैं कमिंग सर। अरे आओ उदय। थैंक यू। बैठो। कैसे याद किया सर? वो विक्रम मल्होत्रा मर्डर केस में तुम्हारी मिसेज मल्होत्रा से कुछ बातचीत हुई? जी सर, घर पे गया था, मैडम ने कहा बाद में आना। बाद में? बाद में क्यों? पता नहीं सर, पर मैं शाम को वापस चला जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम वहां गए तो तुमने कुछ अनयूजुअल महसूस किया वहां पर? सर दो मिनट में कहां पता चलता है। अरे पर उदय, ये आखिर 100 करोड़ के क्लेम की बात है, तो आई थिंक यू मस्ट बी केयरफुल। क्लेम तो बड़ा है सर, पर आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो फिर मैं अभी। ओके, थैंक यू सर। वापस आ गए? एक्चुअली सुबह आपको कुछ पेपर साइन करने के लिए देने थे, वो मैं भूल गया, तो सोचा कि ऑफिस से लौटते वक्त दे दूं। लगता है फिर से गलत टाइम पे आ गया। अब खड़ी क्यों है, बैठी ना। ये देखिए, ये पेपर हैं, इन पे मैंने निशान लगा दिए, वहां वहां पे आप साइन कर दीजिएगा। और मुझे पॉलिसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। ओरिजिनल तो मेरे पास नहीं है, कॉपी नहीं चलेगी? कॉपी अभी तो काम चल जाएगा, पर ओरिजिनल चाहिए। क्या है कि देखिए, आप हमें डॉक्यूमेंट्स लेट देंगे, फिर हम आपको क्लेम लेट देंगे। जी। समझ रही ना आप? जी। इसलिए ठीक है, मुझे बाहर जाना है। बेटा तेरी टाइमिंग बहुत खराब है। हाँ हाँ चलते, चलिए ठीक है, तो जल्दी वापस मिलते हैं। श्योर। विक्रम, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। ये इंश्योरेंस वाला तुम्हें कभी भी देख सकता है। शायद तुम सही बोल रही हो। मैं गविन सर। अरे उदय आओ प्लीज कम। चौहान सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया एकदम। और बताओ कैसे आना हुआ? बस चौहान सर, वो विक्रम मल्होत्रा वाले केस के अंदर ना इंक्वायरी के लिए आना पड़ा। उस केस के लिए? उस केस के बारे में मैं आपको बताऊं कि स्पॉट से हमें जो है उनकी जैकेट, चश्मा, ड्राइविंग लाइसेंस और घड़ी मिली है। बाकी के कोई ऐसे बॉडी के पार्ट्स नहीं मिले हैं, मुझे लगता है घड़ियाल खा गए। घड़ियाल खा गए? जी, उनके मिसेज आई थी, मैंने ये बात उनको भी बताई हुई है। चौहान साहब, इस बार क्लेम बहुत बड़ा है। ठीक है, आप एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए, मैं एविडेंस की कॉपी आपको देता हूँ। चाय तो मंगवा लीजिए। चाय बिल्कुल आ जाएगी।
क्या करें, हम तो बहाने निकाल ही लेते हैं आपसे मिलने के। कोहे फिजा, विक्रम मल्होत्रा वाला केस। ओके, वो थोड़ा स्पेशल केस है, टाइम लगेगा उसमें। टाइम लगेगा? कितने दिन? शायद 2-3 दिन में आ ही जाएगी। 2-3 दिन? चलो 2-3 दिन में मैं वापस आता हूँ। ओके, जैसे ही आती है मैं आपको कॉल करूंगी। कॉल जरूर करिएगा। यस श्योर, बाय। सी यू। या मुझसे जुड़ा ऐसा क्या राज है, जैसे कहीं है लगी आग है। आंखें मेरी खामोशी से भरी, हर पल है पढ़े मुझसे ये कहे। तू रात सी क्यों शाम है, जाती हैं आप पॉलिसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? यस, थोड़ा वक्त लगेगा, इज दैट ओके? कोई नहीं, चलेगा चलेगा, मैं वापस आ जाऊंगा ना। जी। वैसे कंगना जी, मैं जा रहा था लंच के लिए। हाँ। सो इफ यू डोंट माइंड, आप चलेंगी साथ में? ओह, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, मैंने अभी अभी खाना खाया है। टाइमिंग बहुत ही खराब है यार तेरी। खुद कर्ज सा एक नशा है मेरा, मासूमियत से है पर्दा मेरा। हर शख्स को है मेरी आरज़ू, हर कोई मुझे पाना चाहे यहाँ। तू रात सी क्यों शाम की ओरिजिनल रिसीट। ओके, थैंक यू। सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए आपने फटाफट? बढ़िया है, बढ़िया है। तो अब क्लेम क्लियर होने में कितना वक्त लगेगा? आप बैठ तो जाइए, बता देता हूँ वो भी। ओके। देखिए कंगना जी, 100 करोड़ का क्लेम है। जी। तो हर चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। वैसे अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तो नहीं आई ना? आई अंडरस्टैंड। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे कल आपकी गाड़ी देखी थी मैंने लेक के पास। प्रॉपर्टी है मेरी वहां, मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, सही कहा। वैसे आप क्या कर रहे थे वहां? कंगना जी, क्लाइंट्स होते हैं हमारे, बहुत घूमना पड़ता है इस काम में। ओके। चलिए, जो चाहिए था वो सब मिल गया मुझे, चलता हूँ मैं। ओके। ओके देन। हाय ईशा। हेलो उदय जी। नाराज हूँ तुमसे मैं। क्यों? 3 दिन हो गए, कॉल नहीं किया ना तुमने। मैं क्यों भला आपको कॉल करूंगी? अरे रिपोर्ट्स के लिए बाबा। ओके, आप बहुत सही टाइम पे आए हैं, अभी जस्ट आपकी रिपोर्ट्स आई हैं।
आप यहाँ साइन कर दीजिए। या श्योर। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स। थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे ईशा, कल क्या कर रही हो? आपकी फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो मैं थोड़ा काम कर लूँ, ओके? वैसे मैं भी बिजी था। हेलो कंगना जी। या डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नो यू आर नॉट, प्लीज टेल मी। आपके क्लेम में ना एक प्रॉब्लम आ रही है। क्लेम रुक सकता है? प्रॉब्लम? मैं समझी नहीं। कंगना जी, अब सारी बातें फोन पे थोड़ी ना बता सकता हूँ। मिलकर ही बताता हूँ। कहाँ? सिटी लेक रेस्टोरेंट। मैं आती हूँ। ओके। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मरने वाला कोई और हो तो? मैं समझी नहीं। कंगना जी, क्लेम फाइल हुआ है आपके हस्बैंड विक्रम मल्होत्रा का। हमारे डॉक्यूमेंट्स में उनका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। तो अब ये कि अभी तक तो मैंने ये बात अपने सीनियर्स को बताई नहीं है। आप समझ रही है ना मेरी बात? Shall we dance? Dance? वैसे you know you are quite handsome. बातें भी अच्छी करते हो। Okay. और smart भी हो। आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी नीयत भी खराब है और इरादे भी खराब है। By the way, what are you doing for dinner tonight? You have an appetite. आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? छुपा तो तुम रहे हो अपनी नियत। काफी समझदार हो आप। और क्या सोचती हो आप मेरे बारे में? तुम स्मार्ट हो पर तुम्हारी सोच छोटी है। मुझे पता है आप क्या खेल खेल रही हो। खेल तो तुम खेल रहे हो। And you are not man enough to accept it. चाहते हो वो यहाँ नहीं हो सकता। अरे हम भी तो देखें, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई हमें देख रहा है। अरे यहाँ कौन देख रहा है? मैं जो कहती हूँ
ध्यान से सुनो। तुमने उसे दूर ढकेला। I'm scared. बहुत ही लालची बंदा लगता है। पैसों से बिक जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो। आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। ये क्या कर रहे हो? जिंदा है तो ये सारा प्लान 100 करोड़ के क्लेम के लिए था। यहाँ कैसा है विक्रम? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे हाँ? जाओ यहाँ से। ए, जाती कहाँ है? पागल समझा है क्या है? छोड़ो मुझे। तूने क्या सोचा? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा हाँ? मैं कहती थी ना तुम्हारी सोच छोटी है। सीधी खड़ी रह। क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी कंपनी का सीईओ था। एक रूटीन सेट है, कब उठना है, बाइकिंग पर जाना है, मीटिंग्स हैं, क्लब जाना है। सोशल स्टेटस मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। तो तुम चाहती हो कि मैं विक्रम को खत्म कर दूं? आधे पैसे तुम रख लेना और चाहोगे तो आगे हम शादी भी कर सकते हैं। फिर पूरे पैसे भी तुम्हारे और मैं भी तुम्हारी। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। बच्चों जैसी बातें मत करो। ग्रो अप। बी अ मैन। Thank you.
जय हिंद सर। क्या रिपोर्ट है सर? एक्सीडेंट वाली जगह को मैंने मार्क कर दिया है और ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। कार में बैठा हुआ आदमी बुरी तरह से जल चुका है और सर मुझे लगता है कि बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाएगी। गाड़ी की नंबर प्लेट से पता करो। सर गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट्स बुरी तरह से जल चुकी है। दीक्षित जी सर, कितने साल हुए तुम्हें पुलिस की नौकरी करते हुए? सर गाड़ी की चेसिस से नंबर निकालो, आरटीओ जाओ और उसके मालिक का पता करो। यस सर। जय हिंद सर। मिसेस मल्होत्रा, एक्सक्यूज मी मिसेस मल्होत्रा। यस इंस्पेक्टर राजबीर सिंह, कोलार पुलिस स्टेशन से। ओके विक्रम मल्होत्रा घर में है? उसे गुजरे हुए तो काफी दिन हो गए हैं। ओह आई एम सॉरी। वेल मैं ये बताने आया हूँ कि आपकी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट थी और हमें गाड़ी मिल चुकी है। कौन सी गाड़ी? गाड़ी नंबर MP04C5600। उसे तो चोरी हुए काफी दिन हो गए। वो गाड़ी हमें कल एक्सीडेंट में मिली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। थैंक यू। मतलब इस बॉडी का और कार का आपस में कोई लेना देना नहीं है? लगता तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट ही है। ठीक है, डरने कोई बात नहीं है। तुम कल जाके आओ पुलिस स्टेशन, बाकी मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। क्लेम की बात कहां तक पहुंची? हो रहा है बाजार से केले नहीं खरीद के लाने। 100 करोड़ का क्लेम है। मेरे जैसे के ना करियर बन जाते हैं। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। मुझे साइन करने के लिए बुलाया था। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? नथिंग, थैंक यू सो मच। आई एम इन रश, सो वुड यू? आई अंडरस्टैंड मैम, बट कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं, सो यू जस्ट हैव टू साइन ऑन सम पेपर्स। श्योर, आई विल गेट इट फॉर यू। यहाँ बैठो ना।
मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है। क्यों सोचती हो तुम इतना? मैं कह रहा हूं ना, मुझे नहीं लगता उस इंस्पेक्टर को कुछ पता है। वी नीड टू हरी अप, इससे पहले कि कोई और सवाल उठाए। अरे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला छुट्टी पे चला गया, मेरी गलती है क्या? मेरी बात हो गई है उससे, दो दिन में काम हो जाएगा। You know, I don't really like you when you're drinking like this. तुम्हें जो सोचना है ना, तुम सोच लो। Right. मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। बैठो ना यहाँ पे। No, I'll see you again. इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, कोलार पुलिस स्टेशन से। आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। वो एक और डॉक्यूमेंट है, आरटीओ से आया है। इस पर भी आपके साइन चाहिए। आप शायद घर पे नहीं हैं। हाँ मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अपने लोअर लेक वाले फार्म हाउस पर हूँ। अगर आपको कुछ अर्जेंट है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अर्जेंट ही है, ठीक है मैं आता हूँ। प्लीज कम, आई विल वेट। जी। बेल बजानी चाहिए थी। बेल बजाई थी लेकिन दरवाजा भी बंद नहीं था। वैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे कोई वॉचमैन नहीं है, कौन आएगा इतनी दूर और क्या करेगा? राइट, आई एम सॉरी, पुलिस वाला हूं ना, हर चीज़ पे शक करने की आदत सी है। एनीवे, ये आपके डॉक्यूमेंट्स, आप इसको पढ़कर साइन करके भेज सकती हैं। ओके मैं चलता हूँ।
थैंक यू। तुम्हें क्या लगा? मुझे मालूम नहीं है किसके बारे में बात चल रही है। पंकज भाई, बड़ा भाई मानता हूँ आपको। आज तक कोई भी काम आपसे छुपा के किया है मैंने? चलिए आप ही बताइए जो आपको ठीक लगे। काम बहुत रिस्की है, जोखिम भरा है। ब्लड रिपोर्ट बदलना कोई आसान काम नहीं है, मेरी नौकरी भी जा सकती है। ऐसा करो, 20 लाख मुझे दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पंकज भाई, 20 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 तक पॉसिबल है। उधर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 20 लाख कम ही मांग रहा हूँ। फिर भी 20 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ना, तुम्हारी ना मेरी, 15 में डन करते हैं। पंकज भाई, बड़े भाई की बात कैसे टाल सकता हूँ। ये हुई ना बात, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। Cheers. क्या सोच रहे हो उदय? क्या हुआ, चुप क्यों हो? आज मैंने पहली बार अपनी कंपनी से फ्रॉड किया है। उदय, ये सब तुमने किसके लिए किया? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? या पैसे के लालच में? नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं नहीं मानती। कसम से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग सचमुच किसी से प्यार कर सकते हैं? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ अभी? अगर हो सके ना तो कभी प्यार से देख लिया करो, और मेहरबानी हो जाएगी कभी जता भी दिया करो। अच्छा, क्या आपको भी बहुत अच्छा कमीशन मिलता। बैड लक। क्या कर सकते हैं सर? ठीक है सर, चलता हूँ। क्या है ये कोई खाना है? तुमने बनाया ये खाना? तुमने बनाया ये? मैंने तो रेस्टोरेंट से मंगाया है। कुछ अच्छा खाना बना के खिला नहीं सकती तुम मुझे? तुम्हें चढ़ गई है फिर से, बैठ जाओ। ठीक। क्यों बैठ जाओ? नहीं बैठूंगा मैं, नौकर हूं क्या तुम्हारा? देखो, मैंने तुम्हें पहले कितनी बार कहा है कि जब तुम पी लेते हो तो बिल्कुल पागल हो जाते हो। एंड देन आई डोंट लाइक यू टू मच। ओके, सही है। मैं क्यों पसंद आऊंगा तुम्हें? तुम्हें तो वो पसंद है ना, तुम्हारा विक्रम। मैं तो तुम्हारे लिए स्टेपनी हूँ, जब चाहा यूज कर लिया वरना फेंक दिया। तुम्हारे जैसी औरतें ना कभी किसी एक की नहीं हो सकती। पहले अपने पति को मरवा दिया,
फिर मुझसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करवा दे यू ब्लडी मर्डरर। उदय, यू जस्ट बी इन योर लिमिट्स ओके, वरना क्या? हाँ क्या बोला? वरना क्या? तेरे चक्कर में अपनी कंपनी से फ्रॉड किया, खाना भी नहीं खिला सकती, मतलब ये औरत। नहीं करते क्यों? कोई खास वजह? मेरे पिताजी कहते थे कि जो ज्यादा बात करते हैं वो सोचते कम है। वैसे आपको गाइडेंस किस चीज की चाहिए? डू यू लाइक मी? जी मैं समझा नहीं। बनो मत, तुम पर अच्छा नहीं लगता। शादी हो चुकी है मेरी। मुझे पता है कि तुम मुझे किस तरह से देखते हो। जी हम आपको बहुत पसंद करते हैं। कंगना जी, किसने किया है ये? क्या फर्क पड़ता है? वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंट है। कंगना जी प्लीज। सेव मी राजवीर। मिल जाएगा। या सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जी सर, जी सर, जी जरूर सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। उदय सक्सेना से मिलना है। सर वो तो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। कब आएंगे? सर 2-3 घंटे में आएंगे। ओके, वो आए तो उनसे कहिएगा कि इंस्पेक्टर राजवीर सिंह आए थे कोलार पुलिस स्टेशन से। जी सर। अर्जेंट है। श्योर। कहाँ से आए थे? कोलार पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राजवीर। ब्रिक्सन इंश्योरेंस। एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू। अरे हवलदार साहब, राजू सर कहाँ मिलेंगे? अंदर। अंदर? हाँ। मे आई कम इन सर? कम इन। सर मैं उदय सक्सेना सर। जानता हूँ, बैठ जाओ। ठीक है सर। तो कैसे याद किया नाचीज को? मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो। ब्रिक्सन सिक्योरिटी एजेंसी में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो ना तुम? जी सर, काम है अपना, बताइए आप। तो तुम हर बार क्लाइंट्स की जिंदगी के साथ खेलते हो या इस बार कुछ नया है? समझा नहीं सर मैं। समझा नहीं? कंगना मल्होत्रा के साथ देखा है मैंने तुम्हें, कभी रेस्टोरेंट में, कभी मॉल में, कभी लेक पर, या फिर कभी उनके घर जाते हुए। लगता है बहुत नजदीकियां बढ़ गई हैं। तो इसमें कुछ गलत है? पर्सनल लाइफ है मेरी। पर्सनल लाइफ? स
सर ये तो हैरेसमेंट है। ओए, वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग? किस बात की? मैडम पे फिर कभी हाथ मत उठाना। सर मुझे पता नहीं है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और वर्दी पहन ली तो क्या कुछ भी करेंगे? हाँ, पुलिस वाला हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। कंगना मैडम से दूर रहना। दीक्षित, अंदर आओ। तो मैं चलूँ सर? राजवीर, तुम्हें पता है मुझे लगता है कि मैंने किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया है। एक्चुअली यू नो, हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है, ऐसा लग सबको नहीं मिलता। हेलो। हेलो मिसेस कंगना मल्होत्रा, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। ओके, आपके क्लेम का फंड ट्रांसफर हो गया है, तो प्लीज अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा। ओके, श्योर। वाओ, दिस लुक्स ग्रेट, राइट? Let me serve you. Nice. क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। वैसे इतना खुश मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ओह गॉड, तुम सोचते बहुत हो, एक्चुअली आई एम सो हैप्पी। पर तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं भी खुश हूं। अच्छा अच्छा, अगर तुम खुश हो तो दिख क्यों नहीं रहे हो खुश? क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? वही जो तुम नहीं कर रहे हो, प्यार जता रही हूं। ओके, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। चलो 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 चलो। अरे कम ऑन, तुम्हारा मूड अच्छा करना है मुझे। तुम भी ना। कम ऑन। बात है, आज बड़ी खातिरदारी हो रही है। आज तुम्हें सब कुछ माफ है उदय, अगर तुम नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। तुम तो जानती हो पीने के बाद मेरा क्या हाल होता है, वैसे भी दिन में कौन पीता है। सेलिब्रेशन में दिन और रात नहीं होता है, कम ऑन। Cheers! Cheers!
के दिल अभी भरा नहीं। दो मिनट में आई। ओ जल्दी आना। जल्दी आऊंगी। हेलो हेलो राजवीर, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ फार्म हाउस। ठीक से बताओ कंगना। उदय आया है, उसके सिर पर खून सवार है, वो कुछ भी कर देगा। आई एम रियली स्कैर्ड। आया मैं। कितना टाइम लगा दिया। आई थिंक वी शुड डांस। नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट डांसिंग। लेट्स गो। ओके। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। लव यू कंगना। कुछ बोलो ना, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। डरना तो मुझे चाहिए तुम्हारी इन खूबसूरत निगाहों से। You are so beautiful. कुछ नया बोलो ना। ये तो कई लोग बोल चुके हैं। कोलार पुलिस स्टेशन वाला इंस्पेक्टर राजवीर भी। मतलब? बनो मत। इतनी चिंता क्यों करता है वो तुम्हारी? हाँ You are hurting me, Uday. Hurt तो तुमने किया है मुझे, मेरे emotions को, मेरी feelings को। छोड़ो मुझे। सो रही हो ना तुम उसके साथ? हाँ? सो रही हो ना तुम? छोड़ो मुझे Uday। पहले मेरी बात का जवाब दो। Yes, सो रही हूँ मैं उसके साथ। Yes, I'm sleeping with him. तेरी तो पैसे के लिए यूज किया मुझे। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसे? कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। तुम राजवीर का आधा भी नहीं हो। You are half a man as Rajveer is, okay? तू नामर्द है। डबल क्रॉस कर दिया है मुझे। नामर्द बोल दिया मुझे। मुझे चैलेंज करती है। आज तुझे बताता हूँ उदय क्या चीज है। सीधी रह। रुक क्यों गए? डर गए? डर गया? मैं डर गया? उदय डर गया? तुझे आज मैं बताता हूँ असली उदय कौन है। I saved you, Kona.
वो तो मैं तुम मुझे डरा भी तो सकते थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? The number you dialed is not in service. The number you dialed is not in service. क्या हो रहा है यहाँ? शिफ्टिंग हो रही है, क्यों? आप लोग कौन है? ओनर्स हैं इस घर के। हमारा घर है ये। कब से? 2 महीने पहले से। 2 महीने से? और यहाँ तो कंगना जी रहती थी। हाँ, उन्हीं से तो खरीदा है हमने 2 महीने पहले। क्या है कि वो चाह रही थी कि बेचने के बाद 1-2 महीने यही रहे, तो हमने रहने दिया, है ना जी? हाँ बिल्कुल सही कहा। एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरी है। थैंक यू। यही गाड़ी थी? अच्छी तरह से पहचान? हाँ सब, यही गाड़ी ना? हाँ सब। पक्का? चल चल। जय हिंद सर। सर वो ट्रक ड्राइवर मिल गया है, विक्रम मल्होत्रा एक्सीडेंट केस वाला। क्या करना है सर? उसको रिमांड पर लो, मैं आता हूँ। ओके सर। दीक्षित, फोटो। ये आदमी था साहब। मारना तो इसी आदमी को था साहब, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा था साहब, इसलिए मैं वहां से भाग गया साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब। मैंने एक एनवेलप भेजा तुम्हारे नाम से कि विक्रम मल्होत्रा ने उसके लिए वो कार छोड़ी है। फिर उदय ने ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट करने के लिए पैसे दिए
और तुमने उदय को मेरा सारा रूटीन बता दिया। और कार में तो आग लगनी ही थी, क्योंकि बोनेट में और बैक सीट में मैंने पेट्रोल के डब्बे छुपा कर रख दिए थे। और फिर माय गॉड, मैंने तुमसे कहा था ना, आई कांट बी अ लूजर, ट्रस्ट मी। I'm so sorry. और हाँ, अपने सारे पैसे पनामा की शेल कंपनी में ट्रांसफर हो गए। Thank God. चलो। जय हिंद सर। सर ये कंगना मैम देखे गए आपके लिए सर। सर लगता है चिड़िया उड़ गई। मुझसे जुड़ा ऐसा क्या राज है, जैसे कहीं है लगी आग है। आंखें मेरी खामोशी से भरी, हर पल है पढ़े मुझसे ये कहे दूरा।